है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं उसके ऊपर रिक्वेस्ट भेज दूंगा और वो सर्वलेट उसको मेरा एग्जीक्यूट कर देगा लेकिन अगर वो सर्वलेट मेरा लोडेड नहीं है तो मैं दोबारा से रीलोड प्रेस करता हूं और वो दोबारा से मेरे सर्वलेट को लोड करता है देन कम्स कि मैं कौन कौन से मैथड्स को यूज करता हूं सर्वलेट के अंदर जब सर्वलेट मुझे स्टार्ट करना है तो इसके लिए मैं इनिट मैथड का यूज़ करता हूँ इनको मैं सर्वलेट्स के अंदर मैं तीन मैथड्स हैं बेसिकली वन इज़ माई इनिट मैथड सेकेंड इज माई सर्विस मैथड एंड थर्ड वन इज़ माई डिस्ट्रॉय मैथड इनको मैं लाइफ साइकिल ऑफ अ सर्वलेट भी कहता हूँ जो मेरा इनिट मैथड है इनिट मैथड से ही हमेशा मेरा सर्वलेट स्टार्ट होगा बिना इनिट मैथड का यूज़ किए बिना मेरा सर्वलेट स्टार्ट नहीं हो सकता जब भी मैं इनिट मेथड का यूज़ करूंगा, जितनी भी मेरी ज़रूरी की इनिशलाइजेशंस हैं वो वो कॉल हो जाएंगी और मेरा एक्जीक्यूशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है तो मुझे सर्वलेट्स के केस में सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो यही है कि इसको सिर्फ़ एक बार मुझे कॉल करना पड़ता है उसके बाद मैं जितनी भी रिक्वेस्ट आएँ उनको एग्जीक्यूट करवा सकता हूं जब तक कि मैंने अपना सर्वलेट बंद नहीं कर दिया उसके बाद एक बार जब मेरा यह सर्वलेट चल गया है देन कम्स माई रिक्वेस्ट मैथड रिक्वेस्ट मैथड का काम होता है रिक्वेस्ट जो भी आई है उसको प्रोसेस करना और रिस्पॉन्स मैथड का, का काम होता है कि जो भी एक रिक्वेस्ट आई है उसका रिस्पॉन्स भेजना और ये दोनों काम चलते हैं मेरे सर्विस मेथड के अंदर सर्विस मेथड का काम है चेक करना कि इसको रिक्वेस्ट के पास भेजना है कि रिस्पॉन्स भेजना है सबसे पहले जब भी मेरे पास कोई भी काम आएगा तो सर्विस मेथड क्या करता है उसको सर्वलेट रिक्वेस्ट मेथड के पास भेज देता है वो रिक्वेस्ट मेथड का काम है उस रिक्वेस्ट को पूरा करना और फिर वो सर्वलेट रिस्पॉन्स मेथड के पास भेज देता है कि अब ये रिक्वेस्ट आई है अब इसका रिस्पॉन्स वापस जाएगा जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि सर्विस मेथड के अंदर ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक ही प्रोसेस से काम करता हूँ मैं इससे मल्टीपल प्रोसेसेस भी एग्जीक्यूट करवा सकता हूँ ये मेरे पास एक एडवांटेज है सर्वलेट के अंदर और मेरे पास लिमिटेशन रही है सी के अंदर क्योंकि जब भी मैं सी का यूज़ करता हूँ तो एक टाइम पर एक ही मेथड कॉल होता है और फिर मेरा सी जी आई क्लोज़ होती है दोबारा से अगर मुझे कोई रिक्वेस्ट आती है तो मैं दोबारा से सी जी आई का स्टार्टिंग से कॉलिंग होती है लेकिन सर्वलेट के अंदर एक बार इनिट मेथड मैंने यूज़ किया मेरा जो सर्वलेट है वो चल जाता है उसके बाद मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा जितने भी रिक्वेस्ट भेजूँ वो सारी की सारी को प्रोसेस करता है और मुझे टाइम टू टाइम रिस्पॉन्स भेजता रहता है और जब मुझे अपने सर्वलेट को बंद करना है तो उसके लिए मैं डिस्ट्रॉय मेथड का यूज़ करता हूँ जब एक बार मैंने डिस्ट्रॉय मेथड का यूज़ कर लिया तो मेरे जो सर्वलेट है वो बंद हो जाती है दोबारा से अगर मुझे सर्वलेट का यूज़ करना है तो मुझे दोबारा से इनिट मेथड के अंदर जाना पड़ेगा वो इनिट मेथड जो है दोबारा से मेरी सर्वलेट को स्टार्ट करेगा और फिर मेरा सारा प्रोसेस पूरा होगा और अगर मैं एक बार भी डिस्ट्रॉय मेथड का यूज़ करता हूँ उसके बाद मेरी सर्वलेट काम नहीं करेगी जब तक मैं दोबारा से उसको स्टार्ट नहीं करता इनिट मेथड का और अगर मैं डिस्ट्रॉय मेथड का यूज़ नहीं करता हूँ तब तक मैं जितने भी काम करवाना चाहूँ एक ही बार ही सर्वलेट कॉल किए के, के साथ ही करवा सकता हूँ मतलब देन कम्स टॉम कैट टॉम कैट जो बेसिकली है ये मेरे पास एक ऐसा इंजन है जो मेरी सर्वलेट की रिक्वेस्ट को हैंडल करता है टॉम कैट अपाचे के साथ मिला हुआ एक तरह से जो अपाचे टॉम कैट नाम का एक सॉफ्टवेयर है इट इज़ बेसिकली सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स अस फॉर इम्प्लीमेंटिंग सर्वलेट्स बहुत ही आसानी से ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है और ये सॉफ्टवेयर मार्केट के अंदर भी बहुत इजीली अवेलेबल है प्लस इंटरनेट पर भी अवेलेबल है एंड इट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट देन कम्स माय एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सर्वलेट्स जो सबसे बड़ी एडवांटेज सर्वलेट के साथ मिलती है वो ये है कि हर एक रिक्वेस्ट को वो अलग प्रोसेस नहीं बना के चलता वो एक ही प्रोसेस मान के चलता है मतलब मुझे बार बार से सर्वलेट को स्टार्ट नहीं करना पड़ता एक बार जब मैंने सर्वलेट को स्टार्ट कर लिया है तो मैं उसको एक्जीक्यूट जितने मर्जी टाइम करवा लूँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी लेकिन जब मैं उसके अंदर डिस्ट्रॉय मेथड का यूज़ करता हूँ तो मुझे अपने सर्वलेट को दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा सेकंड इज़ कि जो मेरा सर्वलेट है ये मेमोरी के अंदर तब तक रहता है जब तक कि मैं डिस्ट्रॉय मेथड का यूज़ ना कर लूँ या फिर मेरे दोबारा से सर्वलेट को रीलोड नहीं सवलेट के अंदर जो तीसरी मेन एडवांटेज है वो यही है कि इसके अंदर मैं मल्टीपल रिक्वेस्ट को एक टाइम पर हैंडल कर सकता हूँ लेकिन सी जी आई के अंदर ऐसा कुछ नहीं है सी जी आई एक टाइम पर एक ही रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकती है प्लस जब भी मुझे कोई भी नई चीज़ स्टार्ट करनी है तो कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो सी जी आई दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है लेकिन के केस में मुझे दोबारा से सेशन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती देन जो सबसे बड़ी एक डिसएडवांटेज है सर्वलेट्स के केस में इसके अंदर ये है कि इसके अंदर जो लैंग्वेजेस की चॉइस है वो बहुत कम है लेकिन सी के अंदर ये मुझे एडवांटेज मिलता है कि मैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर चाहूँ मैं काम आसानी से कर सकता हूँ लेकिन सर्वलेट्स के अंदर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है देन द थर्ड मैथड दैट वी विल बी डिस्कसिंग इज जे एस पी दैट इज जावा सर्वर पेजिस जे एस पी जो है ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सन माइक्रो सिस्टम ने डिफाइन की है जिससे कि मैं डायनामिक पेजेस बना सकता हूँ वेबसाइट के अंदर जे एस पी जो है ये मेरे पास सर्वर साइट प्रोग्रामिंग है बिल्कुल ये सर्वलेट्स की तरह ही काम करती है मैं अपनी रिक्वेस्ट भेजता हूँ सर्वर के पास सर्वर जो है जे को कॉल करता है और उसको एग्जीक्यूट करवाकर मुझे रिस्पांस भेजता है वेब क्लाइंट इसके अंदर वो चीज़ है जो रिक्वेस्ट भेजता है फॉर एग्जांपल आप हो मैं हूँ जब भी हम कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं तो हम लोग वेब क्लाइंट कहलाते हैं और जो सर्वलेट का सर्वर का काम है मुझे रिस्पॉन्स देना जे जो है सर्वर साइट प्रोग्रामिंग का मेथड है इसलिए ये जितने भी एप्लीकेशन या जितने भी रिसोर्स हैं सर्वर के उनको प्रॉपरली असेस कर सकता है जे जब भी मुझे लिखना है मैं उसको किसी भी टेक्स्ट एडिटर के ऊपर लिख सकता हूँ जैसे कि नोट होता है मेरे पास लेकिन जब मुझे इसको सेव करना है तो उसके लिए मैं डॉट जे एस पी एक्सटेंशन ज़रूर दूंगा जैसे मैं एच टी एम एल लिखता हूँ नोट पैड के अंदर ही और जब मुझे उसको सेव करना है तो डॉट एच टी एम एल की एक्सटेंशन देता हूँ इसी तरह से जब भी मुझे जे एस पी में लिखा हुआ प्रोग्राम सेव करना है तो उसको मैं डॉट जे एस पी की एक्सटेंशन देता हूँ उसके बाद आता है कि मेरे को एडवांटेजेस क्या क्या मिलती हैं जे एस पी को यूज़ करने की जो मेरा जे एस पी है ये हमेशा फॉलो करता है राइट वंस रन एनी वेयर पॉलिसी मतलब मैं इसको एक बार लिखूंगा जिस मर्जी सर्वर पे ले जाऊं जहां मेरा मन करे वहां मैं जाकर इसको चला सकता हूं सबसे बड़ी एडवांटेज इसको ये मिलती है मुझे इसके अंदर इसके कोड को बिल्कुल भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती जो दूसरी एडवांटेज है वो ये है कि जो, जो, जो जे के टैग्स हैं ये बिल्कुल ही एच से मिलते जुलते हैं अगर मुझे एच आती है तो मैं आसानी से जे का यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि मेन तो बेसिकली एच के टैग्स ही यूज होते हैं उसके अंदर थोड़ा सा पोर्शन यूज होता है जे का अब जो सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे मिलता है जे के अंदर काम करने से वो ये है ये अपने रोल्स को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके रखता है एक होता है ग्राफिकल पार्ट और दूसरा होता है डायनामिक पार्ट जो मेरा ग्राफिकल पार्ट है ये बेसिकली डील करता है डिज़ाइनिंग के साथ जब भी मुझे वेबसाइट को डिज़ाइन करना है तो वो मैं ग्राफिकल पार्ट की हेल्प से करता हूँ ताकि जो मेरी आउटपुट है वो अच्छी से अच्छी आए और मेरी जो वेबसाइट है उसकी लुक बेटर हो जो भी डाटाबेस को हैंडल करने की बात है वो सारा का सारा काम होगा डायनामिक कंटेंट के अंदर इसीलिए जो भी कंपनीज़ JSP में काम करती हैं वो दोनों तरह तो के बंदे रखती हैं एक जिसको JSP नहीं आती चाहे लेकिन उसकी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी है उसको वो रखती है वेबसाइट्स को डिज़ाइन करने के लिए दूसरा वो जे वाले बंदों को रखती है जिनको जे का कोड अच्छी तरह आता है ताकि वो डायनेमिक पार्ट को हैंडल कर सके तो अगर आपकी डिजाइनिंग अच्छी है और आपको JSP का कोड नहीं आता तब भी आप जो कंपनीज JSP में काम करती हैं उसके अंदर जाकर जॉब ईजीली ऑप्टेन कर सकते हो देन कम्स वट आर माई बेसिक स्टेप्स फॉर अ JSP रिक्वेस्ट जब भी मुझे JSP रिक्वेस्ट भेजनी है चार स्टेप्स मैं हमेशा फॉलो करता हूँ सबसे पहले जो मेरा वेब ब्राउज़र है वो रिक्वेस्ट भेजेगा जे पेज के पास अब जो मेरा ये जी पेज है ये जी एस इंजन इसको कॉल करेगा और इसके साथ का सर्वलेट जनरेट करके कर देगा ये जो सर्वलेट है ये कंपाइल किया जाता है और जो आउटपुट मुझे चाहिए दैट इज जो मेरा कंपाइल्ड सर्वलेट है ये मेरे को दिखा देगा एज अ रिस्पॉन्स मेरे वेब ब्राउजर के अंदर नजर आएगा देन कम्स कि मेरे कंपोनेंट्स क्या क्या हैं जी के जे के अंदर मैं चार बेसिक कंपोनेंट्स का यूज़ करता हूँ फर्स्ट वन इज़ माय डायरेक्टिव्स सेकंड इज माय एक्शन थर्ड इज़ इम्प्लिसट ऑब्जेक्ट्स एंड फोर्थ इज जे स्क्रिप्टिंग पी जहाँ तक डायरेक्टिव्स की काम है ये मुझे बताता है पूरा एक ग्लोबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा मेरे पेज के बारे में फ़ॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर ये मुझे बताएगा कि मैंने जो प्रोग्रामिंग की है मैंने कौन सी लैंग्वेज इसके अंदर यूज़ की है उसके लिए इसके अंदर काफ़ी सारे मेरे पास एट्रीब्यूट्स अवेलेबल होते हैं जैसे कि एक लैंग्वेज एट्रीब्यूट है जो मुझे बताएगा कि मैं कौन सी लैंग्वेज के अंदर काम कर रहा हूँ दूसरा एक एक्सटेंड एट्रीब्यूट है ये मैं एक्सटेंड एट्रीब्यूट तब यूज़ करता हूँ जैसे कि हम लोग C++ में इनहेरिटेंस का कंसेप्ट यूज़ करते हैं वो एक्सटेंड का काम होता है कोई क्लास जो मेरे पास पहले से ही बनी हुई है उसको इसके अंदर कॉल करना तो इसके लिए भी मैं डायरेक्टिव्स की हेल्प लेता हूँ देन कम्स माय इंपोर्ट एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स के अंदर इंपोर्ट का काम होता है कि अगर मुझे कोई भी मेरी पहले से ही फाइल बनी हुई है उसको इम्पोर्ट करना है तो उसके लिए मैं इम्पोर्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा उसके बाद आता है मेरे पास एक्शन कॉम्पोनेंट एक्शन नाम से ही पता है, चल रहा है कि एक्शन लेना कि मेरे को क्या एक्शन लेना है जब भी एक रिक्वेस्ट आएगी इसके काफ़ी सारे मेथड्स हैं जैसे कि बीन्स का एक कंसेप्ट होता है उसको यूज़ करने के लिए मैं जे एस पी का यूज़ करता हूँ अगर कोई भी मुझे डाटा गेट करना है तो उसके लिए मैं यूज करता हूँ जे एस पी की गेट प्रॉपर्टी अगर मुझे कोई भी डाटा पोस्ट करना है तो उसके लिए मैं पोस्ट प्रॉपर्टी का यूज करता हूँ उसके बाद मेरे पास थर्ड आता है इम्प्लीसिट ऑब्जेक्ट्स इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स जो मेरे पास हैं ये प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं जो पहले से ही मेरे पास बने हुए हैं और मैं इसकी हेल्प से जे के डॉक्यूमेंट्स को ईजीली रन कर सकता हूँ लास्ट आता है जे स्क्रिप्टिंग जे स्क्रिप्टिंग कॉम्पोनेंट तब यूज़ करता हूँ जब भी मुझे जे का कोड लिखना है मतलब अगर मुझे कोई भी कोड लिखना है जे के अंदर तो मैं हमेशा JSP स्क्रिप्टिंग के अंदर ही सारा का सारा कोड लिखूंगा मतलब तो मुझे कोई भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं कोई भी मुझे लूप्स लगाने हैं वो तो सारा का सारा काम मैं JSP स्क्रिप्टिंग के अंदर करता हूँ उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक है JSP टैग्स JSP के मेरे पास फाइव मेन टैग्स अवेलेबल हैं फर्स्ट वन इज़ माई डिक्लेरेशन टैग सेकेंड इज माई स्क्रिप्टलेट टैक थर्ड इज़ माई एक्सप्रेशन टैक देन कम्स माई डायरेक्टिव टैग एंड लास्ट इज़ माई एक्शन टैग वन बाई वन हम इन सारे टैग्स को अब डिस्कस करेंगे सबसे पहला जो टैग मेरे पास अवेलेबल है वो है डिकलेशन टैग डिकलेशन टैग बेसिकली मैं यूज़ करता हूँ जब भी मुझे कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है कोई मैथड डिक्लेयर करना है इसके लिए मैं डिक्लेरेशन टैग का यूज़ करता हूँ आपकी स्क्रीन पर इसका टैग आ रहा है दैट इज फर्स्ट इज लेस देन का साइन फिर मॉड्यूलस और फिर एक्सक्लामेशन साइन ये मैं यूज़ करूँगा जब भी मुझे कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है इसको मैं स्टार्ट टैग भी बोलता हूँ जैसे ये टैग स्टार्ट हो गया उसके बाद मैं अपना कोड लिखूंगा जैसे कि मुझे कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है जैसे एक एग्जाम्पल आ रहा है आपकी स्क्रीन पर इंटीजर ए इक्वल टू टेन उसके बाद सेमी कॉलन जिस तरह से हम दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करते हैं मैं इसमें भी एस इट इज़ ही डिक्लेयर करूँगा और फिर सेमी कॉलन लगा कर उस स्टेटमेंट को बंद करूँगा और जब मेरा डिक्लेरेशन का काम ख़त्म हो गया है तो मैं उसके अंदर दोबारा से मॉड्यूल्स का साइन और ग्रेटर देन साइन लगाकर इसको मैं कहता हूं मेरा ये एंड टैग होता है जे के अंदर जिस तरह से मैं वेरिएबल्स दूसरी लैंग्वेजेस में डिक्लेयर करता हूं इसके अंदर भी एज इट इज़ डिक्लेयर करता हूं जैसे मैंने दिया हुआ है इंट इक्वल टू टेन इंटीज़र जो है ये मेरी डाटा टाइप है ए जो है ये मेरा वेरिएबल है और टेन है जो मैंने इसको वैल्यू दी है सिमिलरली इसके अंदर फ्लोट डाटा टाइप भी चलती है अगर मुझे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स लेने हैं अगर मुझे करेक्टर्स लेने हैं तो उसके लिए कैर डाटा टाइप चलेगी अगर स्ट्रिंग लेने हैं तो स्ट्रिंग डाटा टाइप चलेगी उसके बाद सेकेंड आता है मेरे पास स्क्रिप्टलेट टैग स्क्रिप्टलेट टैग मैं यूज़ करता हूँ जब भी मुझे कोई भी कोड लिखना है तो उसके लिए मैं स्क्रिपलेट टैग का यूज़ करता हूँ इसके जो स्टार्टिंग टैग है वही है लेस देन का साइन और मॉड्यूलस का साइन उसके बाद जो भी मैं कोड अपना लिखना चाहता हूं मैं सारा का सारा कोड इस